नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह की कथा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की अन्य जानकारियों एवं व्रत कथाओं की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो, ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते, तो वह पत्थर मार कर उन्हें भगा देती और कहती, इसे मेरा पेट ही नहीं भरा तो मैं तुम्हें कैसे दूँ। उसका रोज यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को बुढ़िया बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहां देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास एकदम बूढ़ी बन गई है। लड़की को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसीलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे ये बुढ़िया बन गई है। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे, वैसे ही आप सभी पर बरसना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।